जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए। यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा? बहुत सारी चीज़ें अभी घटित हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, हमारे मन में कई सारी आशंकाएँ, कई सारी चीज़ें हैं। आर्थिक मंदी का दौर है और न जाने कितनी सारी परेशानियों से हम अभी जूझ रहे हैं। ये जो महीना है, अगर एक पर्पज जो चल रहा है वातावरण, उससे आपको बड़ा डरावना लग रहा होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, खैर मंदी और थोड़ा जो तंगाई चलेगा, लेकिन ओवरऑल ये जो महीना है बहुत अच्छा रहने वाला है। शांति, पुष्टि और बहुत ही सुकून से कटेगा। परेशानियां हालांकि जो दिख रही है वो सामने सिर्फ दिखाई दे रही है, लेकिन कई सारी, ये सभी राशियों के लिए ऐसा, आपके लिए नहीं है, पर यह परेशानियाँ धीरे से जो है वो टल जाएगी, फिर से सामान्य जीवन हो जाएगा। कहीं भी दिल में, दिमाग में इनसे डर और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला पल आपका बहुत अच्छा है। अब रही बात, ये महापल एक आर्थिक लाभ होगा आपको, रुका हुआ धन आपको मिलेगा। दूसरी बात, व्यापार में थोड़ी हानि हो सकती है, लेकिन हानि के बावजूद पटरी पर धीरे धीरे व्यापार आपको दिखाई देगा। विवाह अगर नहीं हो रहा है तो विवाह होने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा है। और जिन जातकों ने प्रेम विवाह या इस तरह का जो माहौल है, उसके लिए भी एक सकारात्मक आपको पहलू, सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। विद्यार्थियों के लिए तो पहले ही मैं कह चुका हूँ बहुत अच्छा है, और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छा महीना है, ऐसा कोई डर की बात नहीं। ओवरऑल ये माह जो है आपके लिए खुशियाँ लाएगा, सकारात्मक रहेगा, घर परिवार के साथ रहेंगे, और जो माहौल चल रहा है वो माहौल से हम धीरे धीरे बाहर आएंगे। बस सकारात्मक रहें, खुद का ख्याल रखें, और जो जो चीज़ें हमें अपनाना चाहिए उन्हें अपनाएं, ताकि वो हमें इन चीज़ों से बाहर ला पाए। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।